सो गाइस, आप अगर ओरिजिनल फोटो का सीबी बैकग्राउंड बनाना चाहते हो कुछ इस प्रकार का, देन इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओरिजिनल फोटो का सीबी बैकग्राउंड कैसे बनाएं और इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है एंड इन एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। सो काफी डिटेल पर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, फुल वॉच करना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ से हम लोग अपने ओरिजिनल फोटो को सेंड कर लेंगे स्नैपशीट पर। देन यहाँ टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड इसको हीलिंग करके रिमूव कर देंगे ऑब्जेक्ट को। देन यहाँ पर से राइट क्लिक कर देंगे और जो ऑब्जेक्ट है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर स्ट्रक्चर को हाई करेंगे हम लोग, फिर से स्ट्रक्चर को हाई कर लेंगे डिटेल्स पर जाके, और हम लोग इस बार जाएंगे टूल्स पर क्लिक करके HDR स्केप पर, और जो इसका ब्राइटनेस है उसको लो कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देन फिर से हम लोग जाएंगे, फिर से थोड़ा इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे और ब्राइटनेस को लो कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से कर लेंगे शेयर। तो यहाँ पर हमारा फोटो सेव हो गया। देन हम लोग लाइट रूम पर जाएंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों के ऊपर में, फ़ोन का नोटिफिकेशन बार में, तो आप लोग वहाँ से लाइट रूम पर आ जाना, ठीक है। देन हम लोग जो बैकग्राउंड है उस पर टैप करेंगे और ओपन कर लेंगे लाइट रूम पर, और यहाँ पर मैं इस पर रखूँगा येलो टोन। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी टोन रख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से रखना। तो मैं यहाँ पर येलो कर रहा हूँ, और इसका जो स्काई है इसको हम लोग कर देंगे ब्लू कलर का। तो यहाँ से डन कर देंगे हम लोग। देन हम लोग थोड़ा टेक्सचर को हाई करेंगे, तो इससे और भी ज़्यादा ग्लो इफेक्ट ऐड होगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हाई करना। देन हम लोग ऑप्टिक वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे और हम लोग यहाँ से कर देंगे सेव। तो सेव हो जाने के बाद हम लोग कट कर देंगे और आएंगे आफ्टर फोकस प्रो पर। अगर आपके फ़ोन में आफ्टर फोकस प्रो नहीं है तो प्ले स्टोर पर है, डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो हम लोग सेम बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, और जो थर्ड वाले ऑप्शन है माउंटेन टाइप, इसको हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे और कर देंगे नेक्स्ट। देन आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। देन यहाँ पर आप लोग ब्लर का जो अमाउंट है उसको हाई कर देना फुल। देन हम लोग एपरेचर वाले ऑप्शन में आएंगे और जो बुके इफेक्ट है इनको कर देंगे हाई। देन आप लोग देख सकते हो जो बैकग्राउंड है उस पर नेचुरली बुके इफेक्ट आ गया है, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे सेव। तो यहाँ पर और कोई काम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ब्लर एंड बुके होगा। तो इनको गैलरी पर जाके देखते हैं किस टाइप का हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कितना HD पर हुआ है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी HD पर हो गया। तो इस पर हम लोग मॉडल को एड करके देखते हैं कैसे लगता है, तो हम लोग ऑटोडेस्क पर लेकर जाते हैं और हम लोग यहाँ से कर देंगे मॉडल को एड, तो देखते हैं कैसे लगता है। देन यहाँ पर से मॉडल ऐड हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ओसम लेवल का फ़ोटो एडिट हो गया है, ठीक है। सिर्फ इनका फेस स्मूथ कर देने से पूरा CV एडिट हो जाएगा, तो इस टाइप की बैकग्राउंड आप लोग इजीली बना सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।